Hello everyone! Welcome to the most exciting and entertaining and thrilling session of maths classes from nine to tenth. And I am your super maths teacher Ashwitosh Singh. At educator we always empower our learners as how to think, not what to think. If you want to experience the same, this is our YouTube channel, educator YouTube channel. You can subscribe it, like it, and share it with your friends. And don't forget to hit the bell icon in order to get the latest update. So, topic for the day is real number part two. This is our today's topic. So let's move for the part 2 of real numbers, okay? So let's see. So we are going to learn about the LCM and the SCF in this part, okay? We are going to take so many questions. So let's take it one by one. But before the question, we need to know about the theorem, okay? एज वी नो दैट एक डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम ए क्वस्ट टू बी क्यू प्लस आर वी ऑल नो दैट ओके एंड द कंडीशन इज जीरो आर इज ग्रेटर क्वेश्च टू जीरो बट लेस दैन वी वी ऑल नो दैट ओके वी ऑल नो दैट वट इज द थ्योरम इज सो लेट सी हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन देखिए आपको करना क्या है सबसे पहले आपको क्या करना है हमारे पास ए क्वेस्ट टू बी क्यू प्लस आर वाली फॉर्म है ठीक हमें क्या करना है ये जो हमें फॉर्म दी हुई हुई है इस फॉर्म को ध्यान से देखिए ठीक है, है जो आर है वो रिमाइंडर है क्यूज बी इज डिवाइजर एंड इज डिविडेंट ओके आर इज़ रिमाइंडर क्यूज़ क्वेश्चन इज डिवाइजर एंड इज डिविडेंट ओके तो हमें क्या करना है देखिए अगला जो स्टेप है हम क्या करेंगे इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे और आर को यहाँ शिफ्ट कर देंगे ठीक ठीक है और फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे आर वन को हमने देखो यहाँ शिफ्ट किया है और आर टू को हमने क्या किया है यहाँ शिफ्ट किया है ठीक है और हमें क्वेश्चन और जो रिमाइंडर है वो जो है वो मल्टीप्लीकेटिव पार्ट है ठीक तो हमें उसके अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा क्या होगा क्वेश्चन और क्या होगा रिमाइंडर और ये प्रोसेस हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि जो हमारा जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो नहीं हो जाता ठीक है तो ये प्रोसेस हमारा तब तक चलेगा जब तक कि हमारा जो रिमाइंडर है वो जीरो नहीं आ जाता ठीक तो देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं ठीक

तो हम क्या करेंगे आगे क्या लिखा हुआ है यूज दिस थ्योरम ओके इस थ्योरम का हमें यूज करना है हमें इस थ्योरम का यूज करना है ओके okay? सो so, हम ये वाली थ्योरम जानते हैं क्या होती है ए क्वज टू बी क्यू प्लस आर तो देखिए कैसा होगा एज क्वस टू बी क्यू प्लस आर ओके दिस इज द थ्योरम एंड वी ऑल नो दैट आर इज ऑलवेज greater equals to 0 but less than b okay so what we are going to do is the value of a is the value of a is 65 and the value of b is 26 okay the value of a is 65 65 and the value of b is 26 q plus r okay so we can represent this form we can represent this form like this लाइक दिस वन 26 65 and we एंड वी हैव part क्वेश्चन पार्ट एंड part okay पार्ट ओके तो हम क्या करेंगे हम देख सकते हैं हमारे पास क्या ट्वेंटी सिक्स है और सिक्सटी फाइव है ओके okay? तो so, जो ट्वेंट सिक्सटी फाइव है वो डिविडेंट है और जो ट्वेंटी सिक्स है वो डिवाइजर है ठीक तो so, हम क्या करेंगे हम मैक्सिमम मल्टीप्लीकेटिव नंबर लेंगे यानी हम इसे भाग करेंगे तो so, कितनी बार में जाएगा देखो अगर तीन बार में जाता है तो ये सिक्सटी से बड़ा हो जाएगा क्यों क्योंकि तीन करेंगे तो साठ आएगा और देखो ऐसे मल्टीप्लाई करके देखो ट्वेंटी का तीन से करना है ठीक तो हम क्या करेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं ट्वेंटी प्लस सिक्स ठीक है जब इसे हम इस तरीके से लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा थ्री सॉरी थ्री तो हमें क्या मिलेगा सिक्सटी प्लस एटीन विच इसवेंटी एट और जो सेवेंटी एट होगा वो सिक्सटी फाइव से बड़ा हो जाएगा ठीक है तो हमें क्या करना है हमें उससे छोटा नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे 26 सिक्स इंटू ट्वेंटी सिक्स इंटू टू विच इज़ देखो इसको भी देखो अगर कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं करना चाह जा, जानता है तो देख लो एक बार इसको इस तरीके से लिख सकते हो ठीक है ब्रेक करके इसे इस तरीके से लिख सकते हो तो क्या करोगे दो का पहले इसमें भाग डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा चालीस इसका दोगे तो कितना आएगा बारह तो हमें क्या मिलेगा 52 ओके okay? सो so 52 ओके okay? तो कितना बचेगा रिमाइंडर 13 और कितनी बार गया दो बार गया तो क्वेश्चन की वैल्यू कितनी हो गई दो और रिमाइंडर की वैल्यू कितनी हो गई 13 ठीक हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इसी को इसको ऐसे लिख सकते हैं 65 फाइव इज इक्वल्स टू ट्वेंटी सिक्स इन क्वेश्चन क्वेश्चन इज टू एंड द रिमाइंडर इज थर्टीन ओके अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में देख लो ध्यान से देखना जो 26 है 26 क्या था डिवाइजर पार्ट था उसको हम क्या बना देंगे डिविडेंट बना देंगे ठीक है तो थ्योरम में यही था ना पिछले जो हमने थ्योरम देखी उसमें क्या था डिवाइजर को डिविडेंट बना दिया था ठीक तो 26 क्या के आ जाएगा यहाँ आ जाएगा ठीक है और जो 13 है जो 13 क्या है रिमाइंडर है ठीक है ना थर्टीन क्या बन जाएगा हमारा डिवाइजर बन जाएगा ठीक थर्टीन क्या बन जाएगा डिवाइजर ये बन जाएगा ठीक है अब हमें फिर से क्या करना है वही निकालना उसी थ्योरम को हमने फिर से लगा दिया ठीक ठीक है अब बताओ क्वेश्चन और रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी देखो अब ये जो फॉर्म है इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वी कैन रिप्रेजेंट दिस फॉर्म लाइक दिस थर्टीन ट्वेंटी सेवन एंड दिस इज क्यू एंड दिस इज आर वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू एंड आर ओके सो कितनी बार जाएगा ये दो बार जाएगा तो क्यू की वैल्यू दो आ गई और रिमाइंडर कितना आ गया जीरो ठीक है माइनस कर देंगे तो ट्वेंटी सिक्स 13 into 2 प्लस रिमाइंडर इज 0. ओके okay? और ये प्रोसेस हमें कब तक करना है इस थ्योरम में हमने जैसा कि देखा ये प्रोसेस हमें कब तक करना होता है जब तक कि हमें रिमाइंडर ज़ीरो नहीं मिल जाता हमें इस स्टेज पे क्या हुआ रिमाइंडर जीरो मिल गया ओके सो थर्टीन बिकम द एस तो जो थर्टीन हो जाएगा वो क्या बन जाएगा एस बन जाएगा ठीक है थर्टीन क्या हो जाएगा एस ठीक जो थर्टीन होगा वो हमारा एस हो जाएगा ठीक क्यों देख लो एक बार कि ये जो डिवीज़र जो हमारा डिवाइज़र पार्ट है उसको हम एस बना देंगे ठीक है और हमें क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन में कि जो इसका एस है वो इस फॉर्म में दिया हुआ है ट्वेंटी सिक्स एक्स माइनस सिक्सटी फाइव फॉर्म में ठीक है तो हम क्या करेंगे देखो एस की वैल्यू हमें मिल गई थर्टीन तो हम क्या करेंगे ट्वेंटी सिक्स का सिक्सटी बराबर 13, okay, ओके एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो वी हैव value ऑफ एक्स इज़ 5 और 3 8, 6 और 1 साथ, ओके okay? तो एक्स को अगर 78 को डिवाइड करेंगे तो देखो कितना आएगा 78 एट डिवाइड बाई ट्वेंटी तीन बार में जाएगा ओके okay? तीन बार में जाएगा देखो 26 सिक्स इंटू तीन करना है ठीक है तो कैसे लिखोगे इसे इसको देखो कैसे लिखोगे 20 प्लस सिक्स इंटू तीन कितना हो जाएगा साठ प्लस अट्ठारह विच इज सेवेंटी एट ओके इस तरीके से ठीक तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई तीन और वही हमें से क्वेश्चन में पूछा था तो एक्स की वैल्यू तीन हो गई ठीक है सो दिस इज द फर्स्ट वन क्वेश्चन ओके एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड्स ओके एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन

एस पता लगाना है ठीक तो हमें पता है कि थ्योरम क्या बोलती है थ्योरम बोलती है इक्व टू बी क्यू प्लस आर आर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू जीरो बट लेस देन बी ओके सो लेट सी इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर ओके सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए वैल्यू ऑफ ए इज टू टू फाइव टू टू फाइव ओके And the value of B is 135. Okay, the value of B and the value is B. Okay, so this is R. Okay, so we can represent this form just like this. We can represent this form like this 135, and this is 225, to Okay. वी कैन प्रजेंट लाइक दिस एंड दिस इज क्वेश्चन एंड दिस इज रिमाइंडर ओके सो हम क्या करेंगे ये कितनी बार में जाएगा देखिए अगर हम डिवाइड देंगे अगर मैं दो से डिवाइड देता हूं तो कितना आएगा दो से डिवाइड दूंगा तो ये दो सौ पच्चीस से ऊपर चला जाएगा तो ये एक बार जाएगा अगर मैं एक कार वर्क करता हूँ यानी वन थर्टी फाइव बन जा वन थर्टी फाइव तो क्वेश्चन की वैल्यू क्या आ जाएगी वन आ जाएगी ओके okay? तो टू टू फाइव इज इक्वल्स टू वन थर्टी फाइव इंटू वन तो रिमाइंडर कितना बचेगा रिमाइंडर देखो कितना बचेगा साठ और एक पैंसठ सत्तर अस्सी नब्बे नब्बे बचेगा रिमाइंडर ओके okay? ये हो जाएगा ठीक तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था ये जो डिवाइजर पार्ट है उसको डिविडेंड बना देंगे और ये जो रिमाइंडर पार्ट है उसको डिवाइजर बना देंगे ठीक तो इसको डिविडेंड बना देंगे 135 थर्टी फाइव इज इक्वल्स टू इसको क्या बना देंगे डिवाइजर 90 इंटू क्यू प्लस आर ओके तो ये हुआ ठीक अब क्या करेंगे अब क्या करेंगे अब देखो दोबारा वही करेंगे इस फॉर्म को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओके okay. इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्म को इस तरीके से देखो 135 डिवाइडेड बाय 90 ओके okay. अगर मैं 90 से दो बार इसको देता हूं भाग देता हूं तो 180 आएगा जो कि 135 से बड़ा हो जाएगा तो एक ही बार देना पड़ेगा तो 90 आएगा तो बचेगा कितना 45 तो 45 क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा तो 135 बराबर 90 इंटू वन प्लस का 45 ओके okay? ये हो गया फिर दोबारा हम क्या करेंगे यही स्टेप रिपीट करेंगे ये जो पार्ट है इसको क्या बना देंगे डिविडेंड बना देंगे 90 बराबर और ये जो 45 है उसको हम क्या बना देंगे डिवाइज़र बना देंगे डिवाइज़र इज़ क्यू क्यू रिप्रेजेंट द डिवाइज़र सॉरी बी बी रिप्रेजेंट द डिवाइजर सॉरी बी रिप्रेजेंट द डिवाइजर फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव इंटू क्यू प्लस आर या तो ये कितनी बार जाएगा आप तो बता ही सकते हो नहीं बताओ नब्बे बराबर पैतालीस इंटू दो प्लस जीरो ओके ये आ गया तो जो 45 है हमारा 45 वो क्या हो जाएगा देखो रिमाइंडर ज़ीरो मिल गया ना लास्ट में इफ वी गेट द ज़ीरोज़ रिमाइंडर इन एंड ऑफ इन द एंड सो दिस 45 रिप्रेजेंट द एस सी एफ ओके दिस 45 रिप्रेजेंट द एस सी एफ एंड 45 इन दिस केस इज द डिवाइजर दिस डिवाइजर बिकम द एस सी एफ वैन दिस वैन द डिवाइजर बिकम द एस सी एफ वैन द रिमाइंडर इज जीरो जब रिमाइंडर जीरो हो जाएगा तो जो डिवाइजर है उसको हम एस की तरह ले लेंगे ठीक देन इज दी एफ ओके सो यही हमें पता लगाना था एस सी एफ पता लगाना था तो एस सी एफ कितना आ गया पैतालीस ठीक सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन या नेक्स्ट सी दी अनदर क्वेश्चन ओके

दूसरी कंडीशन क्या हो गई प्राइम नंबर्स की जो कि खुद से डिवाइड होनी चाहिए ठीक है तो मुझसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्सप्रेस इच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर ठीक है कि मुझे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर मतलब इनको इस तरीके से तोड़ना है कि उसमें प्राइम नंबर आए ठीक है तो तोड़ने के लिए मैं क्या करूँगा इन्हें फैक्ट्राइज करूँगा तो चलो फैक्ट्राइज करते हैं ठीक सो दैट्स डू द वन फोर्टी आई एम गोइंग टू डिवाइड 140 फोर्टी इज़ सेवेंटी ओके दो से अगर भाग करेंगे सत्तर वो तो कितना मिलेगा पैंतीस अब पाँच से जब डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा सात और जब सात से करेंगे तो कितना मिलेगा एक ओके okay, तो 140 सौ चालीस को कैसे लिख सकता हूँ मैं वी कैन राइट 140 फोर्टी लाइक दिस टू इंटू टू इंटू फाइव इंटू सेवन ओके you can write 140 like this the product of these four numbers okay we have two prime numbers we have three prime numbers okay 2 is also the prime number and 5 is also the prime number and 7 is also the prime number okay and uh, what about the second part 3825 let's see 3825 थ्री एट टू फाइव थ्री एट टू फाइव ओके सो आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और पांच अठारह ओके सो जब हम तीन से जब डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा थ्री वन जै थ्री थ्री टू जै सिक्स थ्री सेवन जै ट्वेंटी वन एंड थ्री फाइव ज फिफ्टीन ओके सात आठ नौ दस दस और पाँच पंद्रह ओके देन अगेन थ्री से डिवाइड करेंगे तो थ्री फोर ज ट्वेल्व थ्री टू जा सिक्स एंड थ्री फाइव ज फिफ्टीन एंड अगेन फाइव से करेंगे तो फाइव एट जा फोर्टी एंड फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव फाइव वन जा फाइव फाइव सेवन जा थर्टी फाइव ओके आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ठीक then 17 so this is all about the factorization of 3825 we have the factors of 3825 the factors of 3825 is 3 3 5 5 and 17 okay all these are the prime numbers okay 3 is the prime number 5 is the prime number 17 is the prime number सो वी कैन राइट लाइक दिस थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू सेवेंटीन ओके सो ये हो गया ठीक तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में बोला था कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स तो हमने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स बस हो गया ये बस आपको फैक्ट्राइजेशन करना है ठीक है तो ईच टाइम क्या करना है मैंने डिवाइड किया है हर एक बार मैंने क्या किया है डिवाइड किया है पहले थ्री एट टू फाइव को डिवाइड किया फिर वन टू सेवन फाइव को डिवाइड किया थ्री से फिर फोर टू फाइव को डिवाइड किया फाइव से फिर एट्टी फाइव को डिवाइड किया सेवनटीन से ओके या सो लेट सी दीदर क्वेश्चन Before taking this question just please share this video and must subscribe the channel okay find the lcm and hcf of 336 54 and verify this 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 okay so देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमें lcm और hcf निकालना है ठीक है 336 का lcm निकालना है और hcf भी निकालना है lcm और hcf निकालना है हमें नंबर्स का ठीक है कि इनका एल क्या होगा दो नंबर्स दिए उनका एल क्या होगा और एस क्या होगा ठीक है और मुझे ये बताना है कि जो एल और जो एस का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर है मतलब थ्री थ्री सिक्स इंटू फिफ्टी फोर के बराबर है ठीक है समझ में आ गया होगा जो एस जो आएगा जो एल आएगा इन दो नंबर्स का वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा मुझे ये शो करना है ठीक सो लेट्स सी

Seven. Okay, so this is these all are the factors of three, three, six. So the factors of fifty-four is two, two four four, two, seven is fourteen, three, nine is twenty-seven, three, three is nine, and three, one is three. Okay, so. These all are the factors of 54. 2 into 3 into 3 into 3. Okay. So we can write the factors like this. The factors of 336 is 336 is 1 2 3 4. Yani 2 ki power 4 into 3 ki power 1 into 7. Okay. and the factors of 54 is इज into इंटू टू की पावर वन थ्री की पावर थ्री एंड सेवन की पावर ज़ीरो किसी भी नंबर की जो पावर जो जीरो होती है उसकी वैल्यू वन होती है ठीक किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो क्या होता है वन किसी भी नंबर की पावर जीरो वन होता है फाइव की पावर ज़ीरो वन टू की पावर ज़ीरो वन थ्री की पावर ज़ीरो वन सेवन की पावर ज़ीरो वन एक हज़ार की पावर जीरो वन एक लाख की पावर ज़ीरो वन किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो वन के बराबर ठीक सो so, अब देखो एलसीएम क्या होता है एक बड़े से बड़ा नंबर एक बड़े से बड़ा नंबर ठीक है और एस क्या होता है एक छोटे से छोटा नंबर जो सबको डिवाइड कर दे एस होता है एक छोटे से छोटा नंबर जो कि थ्री थ्री सिक्स और फिफ्टी फोर को डिवाइड कर दे और एलसीएम होता है एक बड़े से बड़ा नंबर जो कि डिवाइड हो जाए जो कि डिवाइड हो जाए किससे थ्री थ्री सिक्स और फिफ्टी फोर से ठीक है तो मैं दोबारा बता देता हूं एस होता है छोटे से छोटा नंबर जो कि डिवाइड कर दे थ्री थ्री सिक्स और फिफ्टी फोर को जो कि हमारे टू गिविन नंबर है ओके दीज आर टू गिविन नंबर ओके एंड दी एलसीएम आर दिगेस्ट नंबर बिगर नंबर बिगेस्ट नंबर जो भी आप कहना चाहें जो कि डिवाइड हो जाए हमारे किससे थ्री थ्री सिक्स और फिफ्टी फोर से ठीक सो लेट सी एस सी एफ क्या होगा हमें छोटे से छोटा नंबर चाहिए ना तो हम क्या करेंगे क्या लेंगे इसमें से सबसे छोटा क्या है पहले टू देखते हैं तो टू की पावर वन छोटा है दोनों में देखेंगे ठीक फिर सेवन की पावर ज़ीरो जो कि वन ही होता है और थ्री की पावर वन तो क्या एस कितना आ गया हमारा सिक्स तो सिक्स एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर है छोटे से छोटा नंबर है जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा थ्री थ्री सिक्स को भी डिवाइड करेगा और फिफ्टी फोर को भी डिवाइड करेगा ठीक है तो एस सी एफ इसउट द एल सी एम वाट अबाउट द एल सी एम हम क्या करेंगे एल सी एम के लिए देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि पावर कौन सी बढ़ी है टू की पावर वन बढ़ी है टू की पावर फोर टू की पावर फोर बढ़ी है ठीक तो हम क्या करेंगे हमें बड़े से बड़ा नंबर चाहिए ना तो हम टू की पावर फोर लेंगे ठीक फिर हम क्या करेंगे देखेंगे थ्री और थ्री की पावर वन और थ्री की पावर थ्री में कौन बड़ा है तो थ्री की पावर थ्री है, ठीक है अब सेवन की पावर यहाँ क्या है वन है और नीचे क्या है सेवन की पावर ज़ीरो तो सेवन की पावर वन और सेवन की पावर जीरो में कौन बड़ा है सेवन की पावर वन ओके सो दिस इज द एलसीएम ओके तो ये जो एलसीएम है अब ये जो एलसीएम आया है ये दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो किससे थ्री थ्री सिक्स से और फिफ्टी फोर से ठीक सो so, आप मल्टीप्लीकेशन तो कर ही लेंगे इसका ठीक है थ्री का क्यूब इज ट्वेंटी सेवन इंटू सेवन एंड टू की पावर फोर इज टूडे फोर सिक्सटीन ओके सो सिक्सटीन इंटू ट्वेंटी सेवन इंटू सेवन ओके दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन सो हमें करना क्या था मैं रिपीट कर दूँ हमें एल सी एम और एस सी एफ निकालना था ठीक है तो मैंने ये किया पहले दो नंबर्स दिए हुए थे जो दो गिवन नंबर्स थे उनको पहले मैंने फैक्टराइज़ कर लिया ठीक फैक्टराइज कर लिया अब मुझे क्या था फैक्टराइज़ करने के बाद मुझे फैक्टर्स मिल गए ठीक तो मैंने फैक्टर्स को इस फॉर्म में लिख लिया पावर वाली फॉर्म में ठीक है अब उसके बाद क्या था कि मुझे एल और एस निकालना है तो एल क्या होता है एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो कि डिवाइड हो जाए किससे डिवाइड हो जाए थ्री थ्री सिक्स और फिफ्टी फोर से ठीक और एस क्या होता है एक छोटे से छोटा नंबर जो कि डिवाइड कर दे किसको डिवाइड कर दे थ्री थ्री सिक्स और फिफ्टी फोर को ठीक तो सिक्स एक ऐसा नंबर है जो कि क्या करेगा डिवाइड कर देगा ठीक किसको 3, 3, और 54 को थ्री थ्री सिक्स और फिफ्टी फोर को और ये एक बड़ा नंबर है जो कि क्या होगा डिवाइड हो जाएगा किससे थ्री थ्री सिक्स और फिफ्टी फोर से दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन ओके सो लेट सी दी अनदर क्वेश्चन हाँ सो यू हैव टू नोट दैट बट यू हैव टू नोट दैट अगर मुझे दो नंबर्स दिए हुए हैं फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू तीन है बी की वैल्यू दो है ठीक है और उनका एल और एस का जो प्रोडक्ट होगा वो आपको ये याद रखना है कि ए इन टू बी के बराबर होगा ठीक है जो एस और जो एल का जो प्रोडक्ट होगा वो ए इंटू बी के बराबर होगा ठीक तो ये आपको याद रखना है ए और बी यही वाले हैं ए और बी ठीक उनके प्रोडक्ट्स के बराबर होगा ठीक या सो लेट्स सी क्वेश्चन या So, this is the question according to the question the S, the value of SCf is 9 the value of SCf is 9 and we need to find the value of lCM we need to find the value of lCM okay so we all know that the product of LCM and that SCF is equal to the product of those numbers that we need to find the value of the take एच सी एफ़ है एस सी एफ़ है किसी दो नंबर का ए और बी. सपोज़ मुझे ये दो नंबर है इनका मुझे एस सी एफ़ निकालना है ठीक अगर मैं एस सी एफ़ का एल सी एम के इन्हीं दो नंबर का मुझे एल सी एम भी निकालना है ठीक है तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इन दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा ठीक है ये जो नंबर्स हैं ठीक ये जो नंबर्स हैं तो एच सी एफ़ क्या है नाइन हमें दिया हुआ है ठीक एलसीएम हमसे बोला है किन दो नंबर्स बोला है 306 और 657 का ठीक है ये दिया हुआ है ठीक एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 306 जीरो सिक्स दैल्यू ऑफ इज थ्री जीरो सिक्स दैल्यू ऑफ इज थ्री जीरो सिक्स एंड ऑफ बी इज सिक्स फिफ्टी Seven. Okay. So, the L C M of 306 and 657 is 306 into 657 divided by 9. Okay. So, this is the value of LCM after solving this multiplication and the division part, what we get? We get the value of LCM ok. So, this is all about this question. Yeah, so, so, the today's session. So, let's end this today's session and uh, just please subscribe our YouTube channel, Educatum YouTube channel. And uh, don't forget to press the like button and share with your friends, okay? And uh, must hit the bar icon so you get so you get the updates okay so this is the youtube channel okay you can subscribe it